हेलो फ्रेंड्स, मैं शताब्दी और शताब्दी द किचन्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज भुने हुए टमाटर की एक चटनी बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ 3 टमाटर लिए हैं और उसको गैस के ऊपर मैंने एक स्टैंड रखा है और उसके ऊपर इन टमाटरों को अच्छे से भुनने के लिए रख दिया है। टमाटर की तो कई चटनी बनती है दोस्तों, लेकिन भुने हुए टमाटर की चटनी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। बार बार पलटते हुए मैंने टमाटर को बाहर से अच्छे से भून लिया है। आपको पता ही चल जाएगा, जब बाहर का पोर्शन बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा होने लगता है तो समझ जाइएगा कि टमाटर जो है वो अच्छे से भून चुका है। अब इसको मैंने एक बाउल में रखा और पहले से ही इसमें पानी नहीं डालूंगी ठंडा करने के लिए। अगर पानी डाल दिया तो इसका जो स्मोकी फ्लेवर है वो बिल्कुल ही चला जाता है। तो धीरे धीरे इसको ठंडा करते करते इस तरह से जो ब्लैक ब्लैक जो इसका छिलका हुआ पड़ा है ये जो है वो हट जाता है। अब देखिए, टमाटर को मैंने लिया और इसके जो ऊपर का पोर्शन है ये मैंने तीनों के काट काट के अलग कर दिए। टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। अगर बीच बीच में ब्लैक जैसे छिलका आ जाता है उसको भी हटाते जाना है। टमाटरों को अब अच्छे से स्मैश कर लेना है। जब सारे टमाटर अच्छे से स्मैश हो जाएंगे तो इसके ऊपर मैं अब कुछ डालने वाली हूँ। मैंने एक बड़े प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रखा था जो इसके ऊपर डाल देती हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देती हूँ। थोड़े से लहसुन काट के रखे थे वो डाल देती हूँ। खूब सारा धनिया का पत्ता मैंने काट के रखा था वो इसमें मिक्स करती हूँ। अब थोड़ा इसको मिक्स कर लूंगी। थोड़ा सा नमक इसमें डाल देती हूँ। बीच बीच में इसको मैं मिक्स भी करती जाऊंगी। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दूंगी। अब देखिए, चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसमें जो मैं पराठे के अंदर स्टफिंग करूंगी वो बना लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने बेसन ले लिया, मतलब 1 कप के करीब बेसन लिया। उसमें प्याज डाल दिए, हरी मिर्च डाल दी, थोड़े इस लहसुन डाल दिए। हाथों में थोड़ी सी अजवाइन ली, फिर उसमें उसको मैंने स्मैश करके इसमें डाल दिया। थोड़े से धनिया के पत्ते इसमें डाल देती हूँ और इसमें भी थोड़ा सा सरसों का तेल डालती हूँ। इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। इसमें अब मैंने नमक डाल दिया और थोड़ा सा अब सत्तू जो है वो तैयार है। तो एक बाउल में मैं यहाँ पर करीबन 1.5 कप आटा ले लेती हूँ। इस आटे में मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, बस नमक ही डालना है और कुछ नहीं चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आटा गूंद चुका है तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। मैंने 10 मिनट रखा इसको, फिर इसकी जो है मैं लोइयां बना लूंगी।
थोड़ा जैसे हम आम पराठे से थोड़ी बड़ी लोई बनाऊंगी, क्योंकि इसमें मैं अंदर जो है वो सत्तू डालने वाली हूँ। फिर जिस तरह से हम आम जैसे हम बनाते हैं आलू के पराठे में स्टफिंग डालने के लिए, वैसे लेकर हम जो है कटोरी जैसे बनाते हैं वैसे उस तरह का बना लेंगे। अब इसमें भर के बिल्कुल सत्तू अंदर डालना है। पहले मैंने 2 चम्मच भरकर सत्तू इसमें डाल, अभी तक जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी जो भी नई नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो मैंने जो सत्तू का पराठा बनाया है उसको बेल लिया है, अब एक तवे को गर्म किया और उसमें उसको मैंने डाला है सेकने के लिए। जैसे हम आम पराठा सेकते हैं दोनों तरफ पलट कर, दोनों तरफ घी लगाकर, उसी तरह से इस पराठे को भी सेकना है। देखिए पराठा बिल्कुल अच्छे से दोनों साइड से सेक चुका है और यहाँ पे मैंने टमाटर की चटनी और थोड़ी सी दही ली है, उसके साथ देखिए यहाँ पे मैंने पराठे को रखा है। तो देखिए दोस्तों जो दूसरा वाला पराठा है वो भी बहुत अच्छे से सेक गया है। आप लोग इसको बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा और अगर आप बनाते हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि ये पराठा कैसा लगा आप लोगों को। अब इसको भी यहाँ पर मैं सर्व कर देती हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पराठा बना है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं पराठे को देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा दिखता है। देखिए अंदर से बिल्कुल सत्तू भरा हुआ है पराठा, और इसको बड़े भी खा सकते हैं और बच्चे भी जरूर पसंद करेंगे। टमाटर की चटनी और दही के साथ कोई भी ऐसा पराठा नहीं है जो अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो पास से भी मैं दिखा देती हूँ। देखिए दोस्तों देखिए कितना अच्छा सा स्टफिंग हुआ है पराठे का। तो आप लोग जरूर बनाइए और अपने दोस्तों को भी खिलाइए, फैमिली में भी खिलाइए। तो अगली वीडियो के लिए मैं बहुत ही जल्दी आने वाली हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, शुभकामनाएं आप लोगों को।